Hey Raza. Hi. So what you have? Birdie. And what you have in other hand? Money. Money? Wow, show me some. How did you get this money? By selling eggs. Selling eggs? Yeah. Wow. So let's go and grab some maybe donut. अच्छा तो दोस्तों आपने देखा अभी हम लोग वहाँ से घर से निकले थे तो घर से निकलने के बाद हम लोगों ने वो एग्स अपने सारे डाले तो मैं बता रहा था कि फार्मर्स मार्केट है यहाँ पे देखो तो ये ले आप देख रहे हैं इस तरह के ये शेड्स हैं पांच शेड्स हैं जो सारे जिसमें फार्मर्स आते हैं लोकल और अपने वो अंडे बेचते हैं और कुछ भी चीज़ें बेचते हैं तो मैं भी अपने बेटे को लेके आया था साथ में हम लोग अपने फार्म से अंडे लेके आए थे और यहाँ पे फार्मर मार्केट इन साइड दिखाता हूँ ये शार्लेट रीजनल फार्मर मार्केट है तो आप देखो यहाँ पे सारी चीज़ें जो रेज हुई हुई हैं वो सारी हैं यहाँ के लोकल फार्म की तो अगर आप सोचो ये देखो इस तरफ आपको देखें तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी फार्मर मार्केट है और ये वाली एक शेड में हूँ मैं बाकी जो भी दूसरे शेड हैं वो दूर हैं तो यहाँ पे अगर बतख के अंडे भी बिकते हैं बल्कि वो मेरे ख्याल ज़्यादा महंगे हैं वो भी तकरीबन सात वहाँ पर सामने देखो डक एग्स हैं और ये सारी मार्केट में तो आप अगर सोचो बतख पाकिस्तान में अगर किसी को बतख का अंडा खाना है मतलब वो तो वैसे क्या कहने नहीं, नहीं यार ये गंदी होते हैं सही है तो आप उसमें भी बल्कि प्रोटीन ज़्यादा होती है तो अब जब देसी अंडों की बात हो रही है जब इमरान खान कह रहा है कि देसी अंडे रेज करो फार्मर को जब इनक्रेज कर रहा है कि भाई आप अपना लोकल फूड रेज करो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपनी हेल्थ के लिए जब आपकी हेल्थ सही होगी सब कुछ ठीक होगा यहाँ पे देखो ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं कोई ऐसा नहीं है कि यार ये फार्मर मार्केट असल में महंगा फूड है जो सस्ता फूड है कि यही अंडे आप किसी स्टोर से लेंगे ना जो अंदर है उन्होंने शेडों में किए हुए हैं तो वो $1 में एक एक दर्जन मिलता है और यहाँ पे आपको $6-6 का मिलता है लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि अच्छा फूड जो है इंसान की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये लोग सारे यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को भी है कि ज़रूर आओ यहाँ पे मीट की हलाल मीट जैसे नहीं है लेकिन यह है कि जो ग्रास फेड जो फार्मर्स ने मीट रेज किया हुआ है वो भी मिलता है और बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी में मिलता है तो लोग उसको करते हैं तो आई ऑल विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग भी थोड़ा इस पर तवज्जो दें और इन चीज़ों पर चीज़ें अपने मोहल्ले में बेचें जो वहाँ पर रेज करें वहीं पर बेचें ताकि मार्केट्स को मंडी लेके जाने का और वो सारा खर्चा भी बचे चलो आई नीड टू ग्रैब सम डोनट्स फॉर माय सन तो इंशाल्लाह फिर बात होगी इस पर